आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है प्रभात तिवारी। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों प्रभात तिवारी स्टडी आईक्यू पे। दोस्तों आप में से कई सारे लोग मेरा वेट कर रहे थे वीडियो का, और सॉरी दोस्तों मैं वीडियो नहीं ला पाया। क्यों नहीं ला पाया दोस्तों? क्योंकि ऑथेंटिक कोई जानकारी नहीं थी, ठीक है। और बहुत सारे लोगों का कमेंट्स क्वेरीज आ रही थी कि सर फाइनल मेरिट कब लगेगी, मेडिकल कब से शुरू होगा, और फिजिकल में टोटल कितने बच्चे पास हुए हैं, और 10% जो आपकी वेटिंग लिस्ट रखी जाएगी इसमें किन किन लोगों को शामिल किया जाएगा। सारी जानकारियाँ दूंगा दोस्तों, क्योंकि आप लोगों से मुलाकात हमारी बड़े दिनों बाद हो रही है, और आप लोगों के भारी डिमांड्स आ रहे थे कमेंट सेक्शन में कि सर एक वीडियो बनाइए, और इस पर भी चर्चा करेंगे कि हमने ट्विटर अभियान क्यों नहीं किया 18 अगस्त को। सारी बातों पर चर्चा करेंगे। जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन को दबा देंगे। एकमात्र नंबर वन चैनल दोस्तों जो हमेशा बच्चों के साथ खड़ा रहता है, बच्चों की आवाज़ उठाता है, जो भी इन्फॉर्मेशन मिलती है, जो भी जानकारियाँ मिलती है, सबसे पहले सबसे सही और सटीक जानकारी प्रोवाइड करता है, और सारी जानकारियों को दोस्तों एकदम प्रूफ के साथ दिखाता है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबा देना, जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय समय तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों, सबसे पहले ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि आपकी फाइनल कट ऑफ के बारे में, तो सबको बता देता हूं, मैंने फाइनल कट ऑफ का वीडियो बना दिया है, पहले ही बता दिया है, उससे एक नंबर भी ज़्यादा जाने वाली कट ऑफ नहीं है। तो मेरे चैनल पर पड़ा है वो वीडियो, जाकर देख सकते हैं। और आप लोगों से एक निवेदन है कि अब ज़्यादा इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, आपकी जब कट ऑफ आएगी तो उसमें आप लोग देख सकते हैं। चलिए आप बात करते हैं दोस्तों जो आपकी फ़ाइनल मेरिट कब लगेगी, ठीक है। फाइनल मेरिट की बात करते हैं दोस्तों, जैसा कि मालूम चल रहा है दोस्तों सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, और आपकी जो फाइनल मेरिट है, ठीक है, फाइनल मेरिट दोस्तों 5 अगस्त तक आ जाएगी, ठीक है। 1 से 5 अगस्त के बीच में, एक से पाँच सितंबर तक, ठीक है, अगस्त बोल दिया सॉरी यार, 1 से 5 सितंबर के बीच में दोस्तों आपकी यहाँ पर मेरिट दिख सकती है, ठीक है। मेरिट आसानी से आपको दिख जाएगी, फाइनल मेरिट आपकी 1 से 5 सितंबर तक लग जाएगी। तो जो लोग का क्वेश्चन ये था कि आपकी मेरिट कब लगेगी, 1 से लेकर 5 सितंबर, ठीक है, सितंबर के फर्स्ट वीक में आपको मेरिट आपकी दिख जाएगी। अब यहाँ पर बात आती है जब मेरिट आ जाएगी तो मेडिकल कब होगा, ठीक है। मेडिकल के लिए दोस्तों आपको यहाँ से, ठीक है, 20 दिनों का, कम से कम 15 से 20 दिनों का टाइम दिया जाएगा, और ये मान के चलिए आपका 20 सितंबर से, ठीक है, 20 सितंबर से आपका मेडिकल स्टार्ट हो जाएगा। 20 सितंबर से दोस्तों आपका मेडिकल स्टार्ट हो जाएगा। तो जो लोग मेडिकल की प्रिपरेशन कर रहे हैं दोस्तों, अपना मेडिकल प्रिपेयर कर रखिएगा। 20 से 25 सितंबर तक आपका मेडिकल स्टार्ट हो जाएगा, और ठीक है। एक क्वेश्चन ये ज़्यादा आ रहा था दोस्तों कि यहाँ पर फिजिकल में टोटल कितने बच्चे पास हुए दोस्त। तो देखिए दोस्त, कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि RTI के थ्रू उनके रिप्लाई आया है, तो मैं इस बात को खंडन करता हूँ दोस्त। RTI के थ्रू दोस्तों दिल्ली पुलिस, खासकर दिल्ली पुलिस ऐसी संस्थान है जो RTI के थ्रू कभी भी रिप्लाई नहीं देती, ठीक है। RTI के थ्रू दोस्तों आपको ऑफिशियल डेटा दे ही नहीं सकती, और इनको डेटा देना ही होता तो पेपर कटिंग के माध्यम से भी दे सकते हैं। तो जो लोग ये कह रहे थे कि RTI के थ्रू आपको यहाँ पर, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे मेरे वीडियो पर कि बोल रहे हैं सर कि 40,000 के समथिंग यहाँ पर बच्चे पास हुए हैं, सॉरी 40,000 के समथिंग यहाँ पर बच्चे आए थे आपके फिजिकल में। तो मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों, ऐसा कुछ भी यहाँ पर RTI के थ्रू नोटिस नहीं आया है। आप लोगों को गुमराह किया जाता है दोस्तों। मेरा काम होता है सच्चाई को बताना। यहाँ पर कई सारे बच्चे मेरे से नाराज़ हो गए कि सर नहीं 40,000। तो दोस्तों RTI में कुछ भी नहीं बताया गया है, और ना ही किसी ने RTI डाला है। जब भी कोई RTI डाला जाता है तो वहाँ से दिल्ली पुलिस की तरफ से एक ही बात आती है कि आप लोग ऑफिशियल नोटिफिकेशन का इंतजार करिए, जो भी जानकारी होगी आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से बता दी जाएगी। तो RTI का कुछ नहीं रिप्लाई आया है। हाँ, एक एवरेज मैं मान के चल रहा हूँ दोस्तों यहाँ पर, ठीक है, 45,000 बच्चों के समथिंग यहाँ पर बच्चों ने यहाँ पर भाग लिया था आपका फिजिकल में, ठीक है। 45,000 के समथिंग बच्चों ने फिजिकल में भाग लिया था, और एक एवरेज दोस्तों यहाँ पर मान के चल रहे हैं कि 10,000 के समथिंग, ठीक है, 10,300 से 10,500 के बच्चे यहाँ पर समथिंग पास किए हैं, आपका फिजिकल क्वालिफाई हैं। तो ज़्यादा दोस्तों आप लोगों की अफवाह में डरने की जरूरत नहीं है, जो डाटा है दोस्तों मैं सही देता हूँ। मेरे को जब ऑथेंटिक जानकारी होती है, सभी कई लोग वीडियोस बना रहे हैं, लेकिन दोस्तों मेरा काम यही होता है कि जब तक उस पर पूरा रिसर्च ना किया जाए तब तक कोई जानकारी आपको झूठी ना दी जाए, इसलिए दोस्तों मैं वीडियो नहीं बना रहा था। चलिए अब एक क्वेश्चन आता है, 10% वेटिंग लिस्ट में किसका किसका होगा। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो भी 10% लिस्ट में आएगा वहाँ पर, ठीक है, 10% लिस्ट वाले में सभी का सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है, मैक्सिमम चांस है, क्योंकि यहाँ पर 10% ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो दिल्ली पुलिस के मेडिकल में अनफिट हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे दोस्तों? किसी का यहाँ पर नौकनी में प्रॉब्लम है, किसी का फ्लैट फूट में प्रॉब्लम है, किसी के कानों में प्रॉब्लम है, किसी के दांतों में प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर 10% बाहर होंगे, और जो 10% बचेंगे दोस्तों आपका नंबर आ जाएगा। आप लोगों को कोई डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। अब लास्ट क्वेश्चन आता है कि सर आपने ट्विटर अभियान 18 अगस्त को क्यों नहीं किया। तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ, पहले तो मेरे को वहाँ से अंदर से पता चल गया था दोस्तों कि आपकी वैकेंसी यहाँ पर ये इंक्रीज नहीं करेंगे, ठीक है, इंक्रीज नहीं करेंगे। और क्यों नहीं करेंगे दोस्तों? क्योंकि देखिए इनका कहना है कि जो भी वैकेंसीज आई हैं हम इंक्रीज नहीं कर सकते हैं, आगे आने वाले सालों में निकालेंगे, ठीक है, आगे आने वाले साल। लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया है
कि ये वैकेंसीज़ कम निकालेंगे, लेकिन मान के चलिए दोस्तों 3 साल से पहले आपकी वैकेंसी नहीं आने वाली है। और दूसरा नंबर ये है दोस्तों कि आप लोगों की स्ट्रेंथ, ठीक है, ट्विटर अभियान में दोस्तों आप लोगों का यहाँ पर जो वर्चस्व था वो कम था, आप लोग जो ट्विटर अभियान में भाग लेने वालों की संख्या कम थी। मेरे को लगभग दोस्तों 400 से 500 ही लोग कमेंट्स कह रहे थे कि ट्विटर अभियान में सर में हिस्सा लेना है। तो 400 से 500 लोगों के बीच दोस्तों लेकर हम ट्विटर अभियान में कुछ नहीं कर सकते थे। और आप लोगों को फालतू परेशान करना दोस्तों मेरी फितरत में नहीं है कि हम आप लोगों को फालतू परेशान करें, कुछ लोग परेशान हो और बाकी रिजल्ट कुछ ना है। दोस्तों जब मुझे लगता है कि यहाँ पर आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट आएगा तभी मैं कोई कदम उठाता हूँ। तो ये सब जानकारियाँ थी और कट ऑफ का वीडियो मैंने प्रोवाइड कर दिया दोस्तों। और कोई भी अगर आपके मेडिकल से संबंधित क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पिन कर देना, मैं वहाँ से आपका रिप्लाई दे दूँगा। और दोस्तों मैं आज यहाँ पर इंस्टाग्राम का लिंक दूंगा, आप सभी लोग मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना। अभी के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत, खुश रहिए मस्त रहिए। आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों का कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाए, और जिनका सिलेक्शन ना हो दोस्त घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत सारी वैकेंसी है। तो दोस्तों अभी के लिए जय हिंद।